नमस्कार साथियों, सोचा कि एक और आपके साथ चीज़ शेयर करता हूँ। हमने कुछ चंदन के पेड़ लगाए हुए हैं, रक्त चंदन जिसको बोलते हैं। इसमें साइडों से दूसरी शाखाएं निकल रही थी जो यूज़फुल नहीं है, और उनको अगर कट नहीं करेंगे तो पौधे इधर उधर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये हमने काट दी हैं, इनको काट लिया है और छोटी छोटी जो भी वेस्टेज ब्रांचेज थी उसमें से निकाल ली हैं। फिर हम इनको, वैसे भी हम साफ़ सफाई करते रहते हैं लेकिन कभी हमने इसको ध्यान नहीं दिया, और उनको साफ़ सफाई करने के बाद हम उनको हवन के लिए भी कुछ लकड़ियाँ यूज़ करते हैं। ये देखेंगे आप, ये रक्त चंदन है। तो मैं इन्हीं की तैयारी कर रहा था ताकि हवन के लिए उनको उपयोग कर सके, और देखेंगे आप एकदम रक्त की तरह। इसके लिए इसका नाम रक्त चंदन है। इसमें से जो भी सामान निकल रहा है वो सूखने के बाद एकदम लाल हो जाता है, रक्त की तरह दिखाई देता है, आप देखेंगे यहाँ पे। तो उसको छोटी छोटी डंडियाँ काट के मैं ले जाने वाला हूँ, और समय संविदा के साथ में और उसको हवन की तैयारी में कुछ लकड़ियाँ हम उसमें भी उपयोग करने वाले हैं। ये सब हम लकड़ियों को, जो भी हमने तने अलग की है उनको हम छोटा छोटा निकाल लेते हैं। ये पत्तियाँ इनके सब साइड में रख देते हैं। जितना भी हम उसको उपयोग कर सकते हैं, जो थोड़ी थोड़ी मोटी स्टिक है, जो छोटी ज़्यादा जिनको हम काम में ले सकते हैं, पत्ते भी काम में लेंगे। इसको सब साफ करके अलग अलग करके रखने वाले। देखिए, ये सब वो लकड़ियां हैं जो ब्रांचेस को हमने काटा है और जिनकी छोटी छोटी लकड़ियों को अलग करने वाले हैं। जो यूज़ की हैं उनको अलग, और जो पत्ते बच जाएंगे उनका देखेंगे हम क्या उपयोग कर सकते हैं। मैं भी गूगल सर्च करता हूँ कि इनकी सारी चीज़ों का उपयोग क्या क्या किया जा सकता है, तो आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। ये सब छोटी छोटी लकड़ियाँ हैं जो ब्रांचेस से काट के हमने अलग की हैं, और हम इनको उपयोग करेंगे हवन के रूप में भी, और बाकी और कहाँ कहाँ इनका उपयोग हो सकता है, हर एक चीज़ का। चंदन की कोई भी चीज़, चंदन की वृक्ष की कोई भी चीज़ ख़राब नहीं जाती है, चाहे वो जड़ हो या तना हो या उसकी सूखी हुई लकड़ियाँ हो, पत्तियाँ हो, सब इसके उपयोग में आती हैं। चलिए, और हम इसमें क्या क्या करते हैं उसके बारे में भी आपको, मेरा प्रयास रहेगा कि हम जैसे कि प्रकृति की राह पर चैनल चला रहे हैं, तो उसमें हम आयुर्वेदिक औषधीय पौधों का क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, क्या क्या औषधीय पौधे लगाए हैं, जैसे मैं पहले भी शेयर करता रहा हूँ, फिर से आपके साथ शेयर करूँगा। धन्यवाद।